हम लेक्चर 63 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट जी हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को कोई इंटरेस्ट वगैरह दे, कुछ सैलरी वगैरह दे, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है और ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। पढ़ लिया था ना घर में? ओके, अब पॉइंट एल की तरफ मूव करते हैं, पेज 130। अच्छा, ये मैं दो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, देखें ऊपर वाली फिगर कितनी है, 2,50,000, और नीचे वाली फिगर कितनी है बोले, 25,000। ये दो फिगर्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसकी बुनियाद के ऊपर एक डिस्कशन करनी है। ये मैं कहता हूं जी मेरा रेंट एक्सपेंस अकाउंट है, रेंट एक्सपेंस अकाउंट कह रहा हूं। फिजिकल क्लासों का एक नुकसान है, लेक्चर शुरू से नहीं मिलता लेट आने वालों को। कैरी डाउन है 3,00,000 रेंट एक्सपेंस का। आपने रेंट पे किया 20,000 रुपए एक महीने, फिर दूसरे महीने आपने 20,000 रेंट पे किया, फिर आप तीसरे महीने किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, उसका रेंट बड़ा ज्यादा था 1,00,000 रुपया, आपने वो रेंट पे किया, फिर अगले महीने आपने 1,00,000 रुपया रेंट और पे किया, फिर उससे अगले महीने आप वापस किसी और बिल्डिंग में आ गए, उसका रेंट आपने 60,000 पे किया, और फिर उसके बाद शायद आपने अपनी अपनी बिल्डिंग बाय कर ली हो। तो ये रेंट का टी अकाउंट है और इसके कैरेट डाउन का पेमेंट वाइज ब्रेकअप है। अच्छा, अब दो फिगर्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई हैं, एक क्या दिखाई है 2,50,000 और दूसरी क्या दिखाई है 25,000। लॉ मेकर को एतराज है, कहते हैं जिस टी अकाउंट का साल का टोटल 2,50,000 से ज्यादा हो, इज इट ग्रेटर देन 2,50,000, उसमें अगर आप इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ऊपर की कर दें कैश में, तो यह जुर्म है। जुर्म की सजा यह मिलेगी कि आपने 1,00,000 रुपया क्यों कैश में पे किया, ये नॉट अलाउड है। ये 1,00,000 रुपया क्यों कैश में पे किया, ये नॉट अलाउड है। ये 60,000 क्यों कैश में पे किया, ये नॉट अलाउड है। हां, 25,000 से नीचे नीचे की पेमेंट अगर आप छोटी मोटी कोई कैश में कर दें तो इसमें कोई हरज नहीं है। तो मुझे आप दो रूल अलग अलग बता दें, जिस टी अकाउंट का कैरेट डाउन ज्यादा हो 250 से, उस टी अकाउंट में पेमेंट जरा एहतियात से करनी है। अगर कोई पेमेंट 25,000 से ऊपर की है वो कैश में नहीं करनी, ये गलती से बिजनेसमैन ने कर दी है कैश में, बैंक से नहीं पे की। हां, 25,000 से नीचे नीचे की पेमेंट्स यू कैन मेक इन कैश। अब ये छोटा सा नोट कर लें, तो मुझे बता दें नॉट अलाउड कितना है, 1,00,000 + 1,00,000 + 60,000 से 2,60,000 नॉट अलाउड है। वो जो ऊपर वाले 20,000 हैं वो तो अलाउड है, उनमें कोई मसला नहीं है क्योंकि वो 25,000 से नीचे हैं। प्लीज नई बुक बाय कर लें, जल्दी नोट करें, छोटा सा करके नोट किया करें, ऐसे पूरे सफे पे ये नहीं नोट करना। चलिए आगे। अच्छा, एक और अकाउंट,
रिपेयर, ठीक है, रिपेयर एक्सपेंस। आपने कैश पे किया 1 लाख और कैश पे किया 1 लाख, कैरी डाउन आ गया 2 लाख। बताएं साल का टोटल 250 से ज्यादा है, साल का टोटल 250 से कम है, तो मोहतराम ये दोनों पेमेंट्स अलाउड हैं, ये दोनों खर्चे अलाउड हैं, ये दोनों खर्चे माइनस करने की इजाजत है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों खर्चे हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये 25,000 से ज्यादा है। ओ भाई नहीं, नहीं ऐसे नहीं सोचना, जज्बाती नहीं हो जाना, क्या हो गया? 25,000 से खर्चे तो ज्यादा हैं लेकिन टोटल 2.5 लाख से कम है ना, तो इस टी अकाउंट पे ये सेक्शन ही नहीं लगता। जिस टी अकाउंट का साल का टोटल ही 250 से कम है तो लॉ मेकर कहते हैं उसमें कोई खर्चे खुर्चे आप पे करो, लाख लाख रुपए वाले तो खैर है कैश में पे कर दो, मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, ये देखें, अब आपने ये नहीं घर जाके सोचना कि इधर 60,000 वाले को आप नॉट अलाउड कह रहे थे और इधर 1 लाख वाले को भी अलाउड कह रहे हैं, कहानी डिफरेंट है ना। इधर टोटल इज 250 से ग्रेटर, हेयर टोटल इज 250 से लोअर। तो अब ये मिसाल नोट कर लें, ये दोनों खर्चे अलाउड हैं। टिक का क्या मतलब है? कैश में पे किया है लेकिन कोई हर्ज नहीं। चलें जी पढ़ें आप। अच्छा इसमें ना एक रिलैक्सेशन है, वो सुन लें जरा। रिलैक्सेशन क्या है इसमें? असल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान की नेचर को सामने रखते हुए बाय डिफॉल्ट हम पे ही कैश में करते हैं, इसलिए इनको मैं ग्रीन सिग्नल दे रहा हूं, ये खर्चे माइनस करने की इन्हें नहीं कैसे इजाजत है, चाहे आप जैसे मर्जी पे करें। ये देखिएगा कुछ खर्चे हैं जो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान के कल्चर में कैश में ही पे होते हैं। बिजली के बिल मुंह हिला दे आए में, तो किराया, फ्रेट, सवारियों का वो जो सामान या सवारियां, फ्रेट और ट्रेवल दोनों इसमें कवर हो गए। टिकटें खरीदें आप डाकखाने में जाके, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, हुकूमत पसंद करती है टैक्स आप कैश में दें, फौरन आके कैश दे दें, हुकूमत खुश होगी। चेक वगैरह तो डिसऑनर हो सकता है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, पेमेंट ऑफ फीस, फाइंस को जरा जरा पेंडिंग पे रखें, और एनी अदर स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन या कोई भी लॉ के तहत मांगे गए पैसे, स्टेचुटरी स्टेचू लॉ। याद रखिएगा ये सारी अमाउंट्स ना पेड टू गवर्नमेंट है। फाइन को जरा पेंडिंग में डाल दें, पेड टू गवर्नमेंट। टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, ड्यूटी पेड टू गवर्नमेंट, फीस पेड टू गवर्नमेंट, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन पेड टू गवर्नमेंट। तो जो जो खर्चे आप हुकूमत को पे कर रहे हैं, टैक्सेस वगैरह, ड्यूटीज वगैरह, वो सारे खर्चे आपको कैश में पे करने की इजाजत है। बिजली के बिल भी कैश में पे कर दें, ट्रैवलिंग के खर्चे भी कैश में पे कर दें, कोई हर्ज नहीं। तो ये टी अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पे ये सेक्शन लगता ही नहीं। अब आपको मिसाल नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं जबानी कलामी दे देता हूं, मिसाल नोट करने की जरूरत नहीं है। ये बिजली के बिल हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस, ठीक है, लाख रुपया बिजली का बिल आया, फिर 2 लाख बिजली का बिल आया, फिर 70,000 बिजली का बिल आया, कैरी डाउन हो गया 370,000। हालांकि ये 250 से ज्यादा है और ये तीनों पेमेंट 25 से ज्यादा हैं, फिर भी अलाउड 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 ये खर्चे माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि बिजली के बिल बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में इनकरेज किया जाता है कि कैश में पे हों।
तो ये चंद पॉइंट्स हैं जिन पे ये सेक्शन सिरे से लगता ही नहीं है। अब आप ऐसा कर लें कि ये एग्जाम्पल कर लें, इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मैंने मिटा दिया हुआ है। नीचे देखें आपको नजर आ रहा होगा टोटल के नीचे सॉल्यूशन बना हुआ था, वो मैंने मिटाया हुआ है, आप लोग मत सॉल्यूशन देखें। तो अब आप हजरात इस एग्जाम्पल को कर लें, लेकिन पहली दो लाइनें पढ़ लें। भाई कूलिंग नहीं हो रही। पानी के लिए ग्लास ला दो। करें जल्दी, ठीक है, पढ़ा हुआ है। चले मैं आपकी आसानी के लिए ये इसकी बेस पर डिसीजन ले रहे ना, आसानी के लिए टोटल्स हाईलाइट कर देता हूं। जी बताएं भाई। चलो भी अ कंपनी मेड ऑल द बिलो मेंशन पेमेंट। ओ तेरी खैर, ऑल द बिलो मेंशन पेमेंट्स इन कैश। कंपनी ने गलती से नीचे वाले सारी पेमेंट्स किसमें कर दी हैं? कैश में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन विच विल नॉट बी अलाउड अनदर इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपने बताने कौन से नॉट अलाउड है। पहले मैं अलाउड को टिक करता रहता हूँ। यार इसका तो टोटली 1,38,500 है, तो इसलिए इसमें तो कोई मसला ही नहीं। इसमें इंडिविजुअल पेमेंट्स आप जैसे मर्जी करें, खैर है, कोई मसला नहीं। तो ये तो सारी अलाउड है। क्लियर? आगे चलें। इसका टोटल कितना है? 264,000। तो ये तो ग्रेटर देन 2,50,000 है, लेकिन लकीली सारी अलाउड है क्योंकि 25,000 से कम है। आगे चलें। स्टेशनरी एक्सपेंस का टोटल 250 है, ग्रेटर देन 250। एहतियात करनी पड़ेगी, हाँ एहतियात करनी पड़ेगी। ये नॉट अलाउ हो जाएगा, ये नॉट अलाउ हो जाएगा, ये नॉट अलाउ, ये अलाउ हो जाएगा, ये तीनों नॉट अलाउ हो जाएंगे। ये किस लिए अलाउ हो जाएगा? क्योंकि 25,000 से कम है, 25,000 से कम वाले अलाउ हो जाएंगे। एंड इन द एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट बेशक इसी को टिक मार लें। 626 ही सिरे से अलाउ हो जाएगा। क्लियर? किसकी नजर पड़ गई थी इसके ब्रेकअप पे? एक बंदा पड़ जाती है नजर, तो नजर पड़ गई थी ब्रेकअप पे, नहीं डालनी थी, ब्रेकअप की जरूरत ही नहीं। क्योंकि बिजली के, बिजली हो या पोस्टेज हो, यहां लिखा हो या ट्रेवल फेयर हो, जैसे मर्जी पे करें। आप बता दें सॉल्यूशन क्या बनेगा। मैं सॉल्यूशन खोलने लगा हूं। आप ये वाला 42, ये वाला 42, 33 और 46 इधर आ गया, 42, 33 और 46, और 34, 36 और 43, तो नॉट अलाउड 2,34,000। बाकी सारे खर्चे अलाउ हैं बिजनेस में। इसी तरह किया था आप लोगों ने। किसी ने कोई गलती की हो तो बता दें, की होगी, इंसान बैठे हैं, क्या गलती कर कर दी थी? ओके चलें आ जाएं। पॉइंट एल, इसका क्या मतलब है? एनी एक्सपेंडिचर फॉर आर ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन को ना अलग अलग देखना है। ये देखे ना, ट्रांजेक्शन को अलग अलग देखना है ना। एनी एक्सपेंडिचर फॉर आ, ये एक ट्रांजेक्शन तो नहीं है, ये तो ट्रांजेक्शंस का सम है। हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग देखना है। एनी एक्सपेंडिचर फॉर आ ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग देखेंगे, लेकिन सिर्फ कब? पेड अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड हुज टोटल एक्सीड 2,50,000। सिर्फ
ऐसे अकाउंट हेड में, अकाउंट हेड होते हैं ना रिपेयर रेंट, सिर्फ ऐसे अकाउंट हेड में जिसका टोटल साल का 250 से ज्यादा है। हाउएवर इफ द पेमेंट इज मेड थ्रू फॉलोइंग मोड डिडक्शन विल बी अलाउड। लेकिन अगर आप पेमेंट इस तरीके से कर दें तो डिडक्शन अलाउ है, पेमेंट इस तरीके से कर दें तो डिडक्शन कैसे कैसे? नंबर वन, या तो क्रॉस चेक से कर दें या क्रॉस बैंक ड्राफ्ट से कर दें या पे ऑर्डर। चेक डिसऑनर भी हो जाता है, पे ऑर्डर डिसऑनर नहीं होता, क्योंकि पे ऑर्डर में ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हो तो पे ऑर्डर बनता है। बहरहाल इस पास को क्या लिखने की जरूरत। नंबर थ्री, एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक्स में और बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, शोइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर, शोइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ टैक्स पेयर। अच्छा यार, बात यहां पे रुकी नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकती है, मोबाइल से या एटीएम कार्ड से या फिर कंप्यूटर से ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकती है पैसों की। ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ पेयर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ पेई। अगर आप बात करें रेंट की राइज वालों के लिए, तो रेंट के लिए राइज वाले पेयर हैं और जो इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड है वो पेई है। तो फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द पेयर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ पेई, पर्सनल अकाउंट से पेमेंट्स नहीं करनी। एज वेल एज पांचवा तरीका, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड शेल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ट्रांजेक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल। कहते हैं क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट भी बैंकिंग चैनल से ही तसव्वुर की जाएंगी। इफ द ट्रांजेक्शन इज वेरीफिएबल फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट ऑफ पेयर एंड पेई, अगर पे करने वाला और रिसीव करने वाला उन दोनों के अकाउंट से आप चेक कर सकें कि पैसे आ रहे हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं। तो कितने तरीके अलाउ हो गए? पांच तरीके अलाउ। कैश है इसमें कहीं? कैश नहीं। आगे पढ़ें। अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर्स नॉट एक्सीडिंग 25,000। जो खर्चे 25,000 से कम है उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। और इन पांच चीजों पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। क्लियर? ओके। अब एक बहस है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा आपने गौर से सुननी है। वो ये है कि इधर फाइन लिखा हुआ है और पढ़ के पता क्या लग रहा है कि फाइन कैश में भी पे कर दें तो अलाउड है, और बिजली के बिल भी कैश में पे कर दें तो अलाउड है, और ट्रैवलिंग का खर्चा भी कैश में पे कर दें तो अलाउड है। और याद रखिएगा, ये फाइन कौन सा है? प्लीज, ये फाइन टू गवर्नमेंट ही है, ये फाइन टू गवर्नमेंट ही है। तो देखने में ये लग रहा है कि फाइन कैश में भी पे कर दें तो अलाउड है, कोई हर्ज नहीं। बिजली के बिल भी कैश में पे कर दें तो अलाउड है। लेकिन कल तो हमने फाइन के बारे में कुछ और बात पढ़ी थी। कल हमने फाइन के बारे में पढ़ा था कि फाइन सिरे से अलाउड ही नहीं है जो गवर्नमेंट को पे करें। अब ये देखिए, मैं स्काई ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूं, एनी फाइन और पेनल्टी पेड फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अब इसमें आ गया इख्तलाफ। पॉइंट जी कह रहे फाइन हुकूमत को पे करो, माइनस हो ही नहीं सकता। पॉइंट एल कह रहे फाइन बिजली के बिल वगैरह अगर हुकूमत, आपने फाइन वगैरह को हुकूमत को पे कर रहे हो, कैश में भी पे कर दो तो कोई हर्ज नहीं, माइनस कर लो। जी, कितने लोगों को ये डिसएग्रीमेंट समझ आ गया? जरा हाथ खड़ा कर दें। पॉइंट कौन सा वाला? जी कह रहे फाइन टू गवर्नमेंट सिरे से माइनस ही नहीं कर सकते। एल कह रहे कि बिजली के बिल वगैरह, और बिजली के बिल तो मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं समझाने के लिए, बिजली के बिल वगैरह या फाइन अगर आप किसमें पे कर दें तो भी माइनस करने की इजाजत है। अब जब लॉ में आ जाती है ना कॉन्ट्राडिक्शन, तो फिर उसका हल निकाला जाता है।
जैसे नमाज पढ़ने के तरीके में कुछ लोगों का इख्तलाफ है, ऐसे लॉ में भी कॉन्ट्राडिक्शन है, उसका हल निकाला जाता है। उसका हल ये होता है कि बताएं पॉइंट जी फाइन के लिए बनाए या पॉइंट एल फाइन के लिए बनाए। एल में तो और हजार बातें हैं, जी में सिर्फ फाइन की बात हो रही थी ना, तो इसलिए लोग फिर कहते हैं जी विल प्रीवेल, यानी अब्बू और अम्मी के अंदर इख्तलाफ हो जाए, बेटे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, अब्बू कह रहे हैं डॉक्टर बनाना है, तो अब्बू की बात विल प्रीवेल, तो फिर पॉइंट जी विल प्रीवेल। पॉइंट जी खास तौर पे किसके लिए बने, इसलिए फाइन याद रखें, चाहे कैश में पे हो चाहे चेक में पे हो, पॉइंट जी कहते हैं फाइन हो ही नहीं सकता माइनस, तो पॉइंट एल को फिर ये नहीं कहना चाहिए था। इसलिए लोग कहते हैं कि फाइन का लफ्ज यहां नहीं होना चाहिए। थ्योरी की हद तक लिखाइएगा, लेकिन न्यूमेरिकली याद रख लें, फाइन का लफ्ज की यहां कोई तुक नहीं बनती। तो फाइन फी नफ्से ही इन इट सेल्फ नॉट अलाउड है, चाहे आप कैश में पे करें चाहे चेक से पे करें। तो लिख लें फाइन टू गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड एट ऑल, ये किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है। भाई लेट क्यों गए आप, लेट क्यों गए? अच्छा अगले सुबह पे आ जाए। पॉइंट एम, अच्छा ये जो सैलरी वगैरह पे होती है ना, सैलरी तो सैलरी में याद रखिएगा कोई एनुअल का कॉन्सेप्ट नहीं है कि साल का कैरी डाउन कितना है, सैलरी में पर मंथ का कॉन्सेप्ट है। अब उसमें अगर राइस वाले कहते हैं सरासे को 2 लाख सैलरी दे रहे हैं, तो वो फिर चेक में पे नहीं पे पे कर देनी चाहिए या उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, कैश में पे ना करें। अगर राइस वाले कहते हैं हम क्यूएम के टीचर को 80,000 तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो भी चेक में पे कर दें, कैश में पे ना करें। अगर राइस वाले कहते हैं कि हम कैशियर को 50,000 तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो भी चेक में पे कर दें, कैश में पे ना करें। लेकिन अगर ऑफिस बॉय को 22,000 तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो कैश में पे कर दें। सिक्योरिटी गार्ड को 20,000 तनख्वाह दे रहे हैं, वो कैश में पे कर दें। तो लॉ मेकर कहते हैं 25,000 से नीचे नीचे की तनख्वाहें अगर आप कैश में पे कर दें, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन 25,000 से ऊपर की तनख्वाह आपने बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, या क्रॉस चेक से पे कर दें या उसके अकाउंट में, 25,000 वाली भी कैश में पे हो सकती है। एक्सीडिंग 25,000 लिखा हो ना, 25,000 से ऊपर वाली पे ध्यान रखना है। 25,000 वाली जिसकी तनख्वाह है उसे भी कैश में दे दें, कोई हर्ज नहीं। एनी सैलरी पेड एक्सीडिंग 25,000 पर मंथ, कोई भी सैलरी जो आप 25,000 से ज्यादा पे करें, कैसे? अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक, क्रॉस चेक के अलावा पे करें। उधर 5 तरीके लव थे, इधर 2 तरीके लव हैं। अदरवाइज देन बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट। डायरेक्ट ट्रांसफर कैसे होती है कि राइज वाले बैंक को जाके लिस्ट दे देते हैं कि फला फला हमारे एम्प्लॉयज हैं, इनके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर दें हमारे अकाउंट से। उसमें फिर हर एम्प्लॉय को अलग अलग चेक नहीं देना पड़ता, जरा टाइम सेव हो जाता है। तो इन एनी केस कैश तो नहीं नहीं है, तो 2 तरीके अलाउड हैं, या क्रॉस चेक से पेमेंट कर दें या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। सवाल पढ़ें नीचे वाला, व्हाइट बोर्ड से पढ़ना, इधर से पढ़ ले, मैं सॉल्यूशन मिटा दिया इधर।
company made following payments to its employees, you are required to calculate the amount of deduction which will not be allowed another income from business. As per the policy of company, the monthly payment of salary below 34,000 is made in cash. अजीब bogus policy बनाई हुई है कंपनी ने, अजीब लॉ से जो है वो इनहराफ का लफ्ज़ होता है, अजीब लॉ से दूर जाने वाली पॉलिसी बनाई हुई है कंपनी ने। किसी गलत टैक्स कंसल्टेंट को हायर किया हुआ है जिसने कहा था 34,000 से नीचे की तनख्वाहें आप कैश में पे कर दिया करें, एंड अदर पेमेंट्स आर बीइंग डायरेक्टली ट्रांसफर टू एम्प्लॉयज बैंक अकाउंट। तो भाई ये जो अबू बकर को तनख्वाह दी है ये तो आपने किस में दे दी है, कैश में, कोई हर्ज नहीं यार, ये अलाउड है। क्योंकि 25,000 से नीचे है ना, लेकिन याद रखिएगा उमर को इन्होंने कैश में तनख्वाह दी होगी, लॉ तो कह रहा था चेक में देते, इन्होंने कैश में दी होगी, तो इस वजह से ये नॉट अलाउड है। हाँ उस्मान और अली का मसला ही कोई नहीं, क्योंकि ये 34,000 से ऊपर हैं, इसलिए 34,000 कोई लॉ की फिगर नहीं है, 34,000 ऐसी कंपनी की पॉलिसी है, तो फिर इसलिए इनकी सैलरी अलाउड हो जाएगी। तो नॉट अलाउड में क्या जाएगा देखते हैं सॉल्यूशन। 32,000 × 5 160,000, ये वाला क्लियर। चलें अच्छा पिछले सफे पे आए, उससे पिछले पे, अच्छा उससे पिछले पे आ जाए, एक ही दफा बता दें सर कहां आने। 21 का सी बुक्स लेके आया करें, 21 का सी हमने क्या पढ़ा था कि सैलरी पे भी टैक्स काटना है, हमने पढ़ा था ना वैसे ही कि टैक्स काटना चाहिए, डिडक्शन विल बी अलाउड इफ द पर्सन हैज डिडक्टेड द टैक्स। तो इसमें सैलरी पे भी तो टैक्स काटना था ना भाई, ये जे डॉट वाली एग्जांपल पे, तो सैलरी के ऊपर तो फिर दो सेक्शंस हैं, पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट सी कहते हैं सैलरी पे टैक्स काटें, पॉइंट सी क्या कहते हैं सैलरी पे टैक्स काटें, और पॉइंट एम क्या कहता है सैलरी को 25,000 से ऊपर वाली कैश में पे। अब ये लॉ की दोनों इंडिपेंडेंट प्रोविजंस हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक भी वायलेट हो गई तो सैलरी नॉट अलाउड है, दोनों में से एक भी वायलेट हो गई तो सैलरी नॉट अलाउड। आई कैप ने कहा फॉर्म भी भर के दें और अपनी पिक्चर भी लगाएं, फिर एग्जाम में आके बैठे, आपने फॉर्म भर दिया पिक्चर नहीं लगाई, या खाली पिक्चर भेज दी कि ये बंदा पेपर दे के देने आएगा फॉर्म नहीं भरा, तो दोनों सूरतों में आपको पेपर देने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं अलग अलग, सी और एम, इन दोनों को लगाना है, दोनों में से अगर एक भी वॉयलेट हो रहा होगा तो सैलरी खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाज़त नहीं है, नहीं है। अच्छा अब एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं इन दोनों को मिक्स करके, एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग 21 का सी, वो जो हम देख के आए हैं, एंड 21 का एम, टू विच एम्प्लॉय, अच्छा सवाल क्या है, टू विच एम्प्लॉय द सैलरी पेड विल बी अलाउड एज डिडक्शन। चलें जी सॉल्यूशन में छुपा रहा हूं, आप पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा भाई मिस्टर ए को तनख्वाह दी है 60,000, कैश में दे दी है लेकिन टैक्स काट लिए, टैक्स वगैरह जो उस पर बनता था वो काट के हुकूमत के खजाने में जमा करा दिया है, लेकिन 60,000 रुपए कैश में दे दिए हैं, बोलें डिडक्शन इज अलाउड और नॉट अलाउड, कौन सा पॉइंट वायलेट हो रहा है, सी या एम, एम वायलेट हो रहा है। आगे पढ़े जी बी, तनख्वाह कितनी दी है, कैसे पे की है, 21 का एम तो बिल्कुल पूरा हो रहा है, कंप्लाई हो रहा है, लेकिन सी वॉयलेट हो रहा है, क्यों, टैक्स नहीं काटा, तो सजा क्या मिलेगी, डिडक्शन नॉट अलाउड। आगे पढ़ें, हाँ जी बोले बोले बोले, सी को क्या तनख्वाह किस में दी है, चेक में दी है, तो 21 का एम कंप्लाई हो रहा है और 21 का सी भी कंप्लाई हो रहा है, टैक्स भी काटा है, तो क्या करें, डिडक्शन अलाउ कर दें। डिडक्शन अलाउ का क्या मतलब है, खर्चा माइनस करने की इजाजत है, नो नो
यस क्लियर। चलें जी पॉइंट हम पढ़ें, पॉइंट हम में आ जाएं। ये एंट्री देखिए जा, देखिएगा जरा। मैंने एक प्लांट खरीदा है 50 मिलियन का, फैक्ट्री के अंदर मैंने उसे चीजें बनानी है। मैंने ये एंट्री की है प्लांट खरीदने की। ओके क्या हो गया यार, किसी इंट्रो की क्लास के बच्चे को बुला लो, जाओ यार बताइए एंट्री सही है गलत है। गलत है, प्लांट इज नॉट एन एक्सपेंस। परेशान क्यों जाते हैं, आई कैप में भी इसी तरह होता है, कोई सवाल सीधा भी आ जाए ना। नहीं नहीं ये आई कैप में आया है, ये नहीं। डिफाइन अंडरस्टैंड टेकिंग इतना आसान नहीं, डिफाइन के स्पेलिंग देखो, कोई चक्कर होगा। बस ये गलत है ना एंट्री, क्यों गलत है? क्योंकि प्लांट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये पता है इंट्रो में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था डे टू डे की रिपेयर करा ली, कुछ सफेदी कुछ और करा लिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते थे, एडवर्टाइजमेंट कर ली। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता था? प्लांट खरीदना, फर्नीचर खरीदना, जिसका कई साल फायदा है। तो ये एंट्री सही है या गलत है? गलत है। अब आ जाए पॉइंट एम में, पॉइंट एम एन 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 एनी एक्सपेंडिचर पेड ऑफ, ऊपर से मिला के पढ़ें, ऊपर से क्या मुराद है? पेज नंबर 120, फॉलोइंग डिडक्शंस विल एनी एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, फुल स्टॉप के आगे नहीं पढ़ना, एनी एक्सपेंडिचर ऑफ, इसका मतलब लिख लें प्लांट की कॉस्ट एक्सपेंस नहीं होती, क्योंकि वो तो कैपिटल नेचर का खर्चा है ना। प्लांट की पूरी कॉस्ट एक्सपेंस में नहीं डालते, प्लांट की पूरी कॉस्ट एक्सपेंस में नहीं डालते, बल्कि क्या करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता उसको डेप्रिशिएट करते हैं। बोले क्या करते हैं? आहिस्ता आहिस्ता उसको डेप्रिशिएट करते हैं। चलें पढ़ें। एनी एक्सपेंडिचर पेड ऑफ हाउ एवर, यानी कि ये बात ना समझना, असल में कुछ लोग बच्चे फिर बाद में सवाल पूछते हैं बार 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 बार, यार ये सर इस लाइन का क्या मतलब है? यार इस लाइन का मतलब है कि प्लांट की कॉस्ट खर्चे में नहीं डालनी, बस। ताहम, तातुम नहीं, ताहम, ताहम डेप्रिसिएशन डिडक्शन विल बी अलाउड। ऐसा ऐसा डेप्रिशिएट कर लो, या पूरी कॉस्ट को पहले साल ही खर्चे में डाल दो, जो मैंने आपको एंट्री करके दिखाई अभी, वो करना है या वो गलत चीज है? बल्कि इसके बजाय क्या करना है? हाउएवर क्या कर लें? ऐसा ऐसा डेप्रिशिएट कर लो, और अगर इनटेंजिबल है तो अमोर्टाइज कर लो। कल डेप्रिसिएशन का सेक्शन हमने शुरू करना है ना, अगले सफे पे, सेक्शन 22। अच्छा जी मान जाएंगे अगले सफे पे, ये आगे चलें। पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पढ़ना शुरू करते हैं। पॉइंट ओ के लिए मैंने एक एग्जांपल नोट की हुई है, वो जरा मैं आपको दिखा दूं पहले। ये एग्जांपल है जी पॉइंट ओ, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, क्या मतलब? दवाइयां बना रहा है या बना, दवाइयां बना रहा है या खरीद के बेच रहे हैं? बना रहा है, मैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है। इसकी सेल कितनी है जी दवाइयों से? 5000, और एडवर्टाइजमेंट कितनी है? 600। पॉइंट ओ पढ़े, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सेल इज नॉट अलाउड। ये बिल्कुल उसी तरह की इंग्लिश है जैसे कल हमने पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं इसका न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूँ। असल में ये एक्सेस जरा मुश्किल इंग्लिश होती है, ये फॉर्मूला जो बनेगा ना वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सेल है आपकी कितनी? 5000 लेस एडवर्टाइजमेंट
अलाउड है। लॉर ऑफ एक्चुअल वो है 600 या 10% ऑफ सेल वो है 500। व्हाट इज लोअर? 500। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में कितना जाएगा नोट कर लें। ट्रेडिंग बिजनेस में इस तरह नहीं करने, पूरा माइनस कर लो। इसके ऊपर हेडिंग के दिया आपने 21 का ओ। जल्दी करें, बस इसको याद नहीं करना, बस लिखना है। पढ़ें। एनी एक्सपेंडिचर पेड, सॉरी पॉइंट ओ, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट एंड एक्सीडिंग 10% ऑफ सेल इज, ऊपर से मिला के फॉलोइंग डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। 10% ऑफ सेल से जो ज्यादा है वो नॉट अलाउड है। तो देखिए ना, 10% ऑफ सेल है 500, 10% ऑफ सेल है, उससे जो बढ़ रहा है वो 100 रुपया है, 100 रुपया नॉट अलाउड है, तो फिर 500 क्या है? तो इस तरह निकालना ज्यादा आसान है। क्लियर? चलें आगे। पॉइंट पी, एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ बिजली के बिल इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स। बिजली के बिल अगर लिमिट्स क्रॉस कर जाएं तो फिर नॉट अलाउड है। अब ये तो जजमेंटल सी चीज है, जो लिमिट्स हैं वो इसने हमें बताई नहीं, अब हम मजबूरी में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब आप ये ना कहिएगा वो बिजली के बिल कैश में भी पे नहीं कर सकते। बिजली के बिल बिल्कुल कैश में पे करें, कोई मसला नहीं, वो तो खैर है, बिजली के बिल कैश में पे हो सकते हैं। हाँ, कोई इक्का दुक्का बंदा ऐसा बिजनेसमैन निकल आए कि लॉ मेकर उससे कहे यार हर वक्त दुकान पे एसी चलाए रखते हो तो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो तुम, बिजली इतनी इस्तेमाल ना किया करो, तो अगर कोई ऐसा दुकानदार हो तो वो अलग बात है, लेकिन बिजली के बिल बिल्कुल कैश में पे कर दें तो अलाउड है, बिल्कुल परेशान। हाँ, अगर कोई लिमिट्स क्रॉस कर जाए बिजली के बिल, वो एक जजमेंटल सी चीज है, वो पेपर में खुद अगर बता देगा हमें तो ठीक है कि बिजली के बिल लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे हम क्या एज्यूम क्या करेंगे, बिजली के बिल विद इन लिमिट्स हैं और ये अलाउड हैं। तो प्रेस्क्राइब लिमिट्स ना आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस इतने से थ्योरी के हद तक सवाल याद कर लें। पॉइंट क्यू को पेंडिंग कर दें फॉर लॉन्ग टाइम। मे बी सिलेबस के आखिरी दिन या उससे पहले कर लें हम। पॉइंट क्यू, इससे सेल्स टैक्स पढ़ना जरूरी है इससे पहले, क्योंकि देखें इसमें सेल्स टैक्स की बातें हो रही हैं। ओके चलें जी, डिडक्शंस नॉट अलाउड हमारा खत्म हुआ। अब कल हमने शुरू करना है सेक्शन 22 डिप्रिसिएशन का। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्रिकेट खेल लेते हैं। अच्छा, अभी आप आ जाओ, ये पॉइंट आपका पेंडिंग था, पॉइंट थ्री पेज 127 पे, याद आ रहा है? पॉइंट थ्री पेंडिंग था।
मुझे पता है 4 भी पेंडिंग है, लेकिन फिलहाल पॉइंट 3। किस पेज पे? 127। किताब के शुरू में जो सफ़े खाली हैं वहां लिखना शुरू करें। डॉलेंस लिख लें, आप लोग भी लिख लें। डॉलेंस एक्वायर्ड अ प्लांट, लीज फ्रॉम एमसीबी बैंक इन टैक्स ईयर 2021। डॉलेंस ने एमसीबी बैंक से प्लांट लीज पे लिया 2021 में। क्लियर? तो मुझे बता दें, डॉलेंस ने खुद प्लांट खरीदना पसंद किया है या बैंक ने खरीदा होगा और डॉलेंस को किराए पे दे दिया होगा? बैंक ने खरीदा होगा और डॉलेंस को किराए पे दे दिया होगा। आमतौर पे किराया पे करते करते एंड पे कई दफा बैंक हमेशा के लिए भी उनके नाम लगवा देते हैं। ओके, डॉलेंस विल पे, किराया पे करेगा ना। डॉलेंस विल पे एनुअल रेंटल, डॉलेंस एनुअल रेंटल पे करेगा ऑफ रुपीज 3 लाख फॉर 5 इयर्स। डॉलेंस 5 साल तक 3 लाख रुपया किराया पे करता रहेगा। किस का किराया? प्लांट का। किस को? एमसीबी बैंक को। ये प्लांट खरीदा किसने होगा? एमसीबी बैंक ने। और किराए पे किसको दिया है? किसको किराया मिलेगा? एमसीबी बैंक को। कौन किराया देगा? अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। अच्छा, आप एनालिसिस कह लें या आंसर कह लें, जो भी कह लें, रिक्वायरमेंट तो मैंने कोई डाली नहीं। अब मोहतरम, जो बैंक की बुक्स हैं, बैंक को ना लेसर कहते हैं, जिसने एसेट किराए पे दिया है, लेसर या लीजिंग कंपनी। जो बैंक की बुक्स हैं उसके अंदर हमें क्या नजर आएगा? बैंक की बुक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस निकलेगी और हमें नजर आएगी, सबर करें, नोट करने का टाइम दूंगा, हमें नजर आएगी रेंटल इनकम। बैंक की बुक्स में हमें नजर आएगी रेंटल इनकम। यहां दरमियान में मैंने कुछ लिखवाना है। रेंटल इनकम नजर आएगी 3 लाख रुपया। 2021 की बात कर रहा हूं, सिर्फ अगले सालों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद इजाजत मिल जाएगी डॉलेंस को, सॉरी बैंक को, एमसीबी बैंक को इजाजत मिल जाएगी कि ये इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करे। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो प्लांट होता है ये 4-5 साल डॉलेंस इस्तेमाल करेगा, फिर वापस कर देगा बैंक को, बैंक फिर किसी और को किराए पे दे देगा। तो बैंक ये कहेगा मेरा एसेट मुख्तलिफ लोगों के पास मूव कर रहा है तो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसलिए बैंक का एसेट डेप्रिशिएट होगा, इसलिए बैंक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा। ये जो बैंक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा, इस डेप्रिसिएशन के 2 नाम हैं, आपको अदर सोर्स के चैप्टर में मैंने बताया था। एक नाम डेप्रिसिएशन का इनिशियल अलाउंस है और दूसरा नाम डेप्रिसिएशन का है डेप्रिसिएशन। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि कल हमने डेप्रिसिएशन का सेक्शन शुरू करना है। तो टैक्स वालों के रूल्स के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन कल हम निकालेंगे वो भी इधर आएगी। तो डेप्रिसिएशन के 2 नाम हैं, एक नाम है, ये कुछ भी नहीं है, अनदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन का एक और नाम है। तो लेसर को इजाजत होगी डेप्रिसिएशन माइनस करने की। अभी प्लांट की कॉस्ट वगैरह तो मैंने दी कोई नहीं आपको, तो इसलिए फिगर एक्स में रख रहा हूं। ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, ये इट विल बी योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये तो बात किसकी हो गई? बैंक की हो गई। बैंक एसेट को क्या करेगा? डेप्रिशिएट। और क्या रिसीव करेगा? किराया। अब हम बात किसकी शुरू करेंगे?
डॉलेंस की। डॉलेंस को क्या कहेंगे, लेजोर या लेसी? लेसी। और बैंक लेसर। अच्छा, डॉलेंस क्या करेगा, डॉलेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा मोहतरम। डॉलेंस का मैं P&L नहीं बना रहा आपके सामने, अब डॉलेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। एक्सपेंस को कहते हैं टैक्स वालों की जबान में डिडक्शन, एक्सपेंस को कहते हैं। और ये डेप्रिशिएट नहीं करेगा, ये रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये किराया दे रहा होगा और बैंक किराया ले रहा होगा। तो 3 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम सिर्फ पहले साल में खड़े हैं, तो किराया दे देगा 3 लाख, ये इसको क्या अलाउ हो जाएगा, डिडक्शन। नोट कर लो। नहीं, इसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल कुछ भी नहीं होता, वो हम फिर कभी बात करेंगे। असल में टैक्स वाले कहते हैं ये किराया ही है बस। हाँ नोट। कौन सा पेज है? राउंड सी बोलने कुछ नहीं आ जाएगा। 127 पेज के टॉप पे आ जाएं। वेयर अ लेसर इज अ शेड्यूल्ड बैंक, हाँ MCB है। वेयर अ लेसर इज MCB और अ लीजिंग कंपनी भी हो सकती है, एंड दे हैव लीज्ड आउट एनी प्लांट। हमारी मिसाल में अमाउंट, अमाउंट कौन डालें करके लिख लें, रेंट, अमाउंट कौन डालें करके रेंट, रेंट पेड बाय लेसी टू लेसर शेल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर लेसर। देखें, रेंट पेड बाय लेसी टू लेसर शेल बी इनकम फ्रॉम, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है किसकी, लेसर की। तो आप ऐसा करें, ये हमने पढ़ लिया है सेक्शन 18 का सबसेक्शन 3। अब आप रेफरेंसिंग करते रहें। देखो भाई, आपने ये एग्जाम्पल पूरे सफे पे नोट कर लिया, कुछ बच्चों ने आधे सफे पे नोट किया, अच्छा वो भी छोटी छोटी करनी थी। बहरहाल पीछे भी सफे खाली हैं बुक में, एक दो मेरे ख्याल से।
अच्छा जी, क्लियर? दोबारा पढ़ें। वेयर अ लेसर इज अ शेड्यूल्ड बैंक और अ लीजिंग एंड दे हैव लीज्ड आउट एनी एसेट, रेंट पेड बाय लेसी टू लेसर शेल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर फॉर लेसर। लेसर के लिए कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। चलें जी, अगला पॉइंट फोर छोड़ें। अब ना हमने थोड़े से जम मारने हैं, क्योंकि ये बातें ना लॉ में मुख्तलिफ जगहों पे फैली हुई हैं, तो मादरस के साथ थोड़े जम जुम मार के हमने जाना है। छाल मारना कहते हैं, छलांग मारना कहते हैं आप? चलें फिर मारें छाल। पेज 120, पेज 132, सेक्शन 22। सेक्शन 22 का नाम बताएं। डेप्रिसिएशन। अगले सफे पे आए, बल्कि उससे अगले सफे पे आए, पेज 134। इसमें पॉइंट सी, पॉइंट सी, पॉइंट सी भी इधर ही मैंने कर तो दिया सॉल्व, लेकिन आपको बता देता हूं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एसेट यूज कौन कर रहा है, ये एसेट यूज कौन कर रहा है? डॉलेंस यूज कर रहे हैं। डॉलेंस उससे एसी फ्रिज बना रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो ये एसेट यूज कौन कर रहा है? अच्छा, अब लोगों ने एक एतराज किया टैक्स वालों पे कि टैक्स वालों यूज डॉलेंस कर रहे हैं और डेप्रिशिएट तुम कह रहे हो लेसर करें, तो ये लोगों ने एतराज किया। तो लॉ मेकर ने कहा नहीं यार, इस तरह ना देखो आप, इस तरह आप लोग भी कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजिंग बात होगी ये तो, कि यूज डॉलेंस कर रहे, लेसी कर रहे और डेप्रिशिएट लेसर कर रहे। कहते इस तरह ना देखो, ये असल में ना लेसर के बिजनेस में यूज हो रहा है। लेसर करता क्या, 3-4 साल के लिए इसको दे देता है, फिर 2-3 साल के लिए किसी और को दे देता है, फिर 1-2 साल के लिए किसी और, तो असल में तो लेसर का ही है, उसने यूज का तरीका ये पकड़ा हुआ है कि किसी और को दे देता है। इसलिए लॉ मेकर कहते हैं अगर किसी के जहन में ये कंफ्यूजन है ना कि इसको यूज लेसी कर रहा है, तो वो कंफ्यूजन कहते हैं मैं उसके जहन से निकालने लगा हूं, प्लीज इधर उधर की कहते हैं बातें ना करो। एन एसेट ओन्ड बाय लीजिंग कंपनी एंड लीज टू अनदर पर्सन इज एज्यूम्ड एज यूज्ड इन लेसर्स बिजनेस। कहते हैं बात ही खत्म करो, ये एज्यूम करो लेसर के बिजनेस में यूज हो रहा है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो मैं ये अजम्पशन लेके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये मैं पेज 134 के टॉप पे हूं। एन एसेट ओन्ड बाय एमसीबी, याद रखना इसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स एमसीबी के पास ही होते हैं, क्योंकि वो तो फिर वरना तो फिर लेसी एसेट लेके भाग जाए। एन एसेट ओन्ड बाय बैंक एंड लीज टू डॉलेंस, लिखते रहे ना अनदर पर्सन डॉलेंस। एन एसेट ओन्ड बाय एमसीबी एंड लीज टू डॉलेंस इज यूज्ड इज अज्यूम्ड एज यूज्ड इन एमसीबीज बिजनेस, लेसर्स बिजनेस। तो फिर डेप्रिशिएट कौन करेगा? एमसीबी। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं, राइज वाले जब अपना P&L बनाते हैं तो ये जो बिजली का बिल वगैरह है, टीचर्स की तनख्वाहें, किस में से माइनस करते हैं? P&L बनाते हुए एक्सपेंसेस में से माइनस करते हैं। मैं आपको, आपसे जो फीस आती है उसमें से माइनस करते होंगे ना, फिर ही P&L बनता होगा। तो राइज वाले जो अपना P&L बनाते हैं वो कैसे बनाते होंगे? इनके खर्चे होते होंगे, खर्चों को किसमें से माइनस करते होंगे? जो स्टूडेंट्स की फीस आती है उसमें से, तो फिर इनका प्रॉफिट निकल आता होगा। अच्छा मुझे बताएं ये वाला बंदा डेप्रिसिएशन कहां से माइनस करे? रेंटल इनकम में से, क्योंकि ये लेसर इनकम ही कौन सी कमा रहे हैं? रेंटल। ओ जी बिल्कुल सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, जैसे आप नहीं काम शुरू कर दें, बाइक खरीदें, बाइक खरीद के लोगों को किराए पर देनी शुरू कर दें, तो बैंक भी यही कर रहा है, मशीन खरीदी और देख आगे किसी को किराए पर दे दी। पढ़ें ये अगली लाइन, समझ आ रही है? जरा खुद पढ़ें। डेप्रिसिएशन अलाउड टू लीजिंग कंपनी, इधर आओ। डेप्रिसिएशन अलाउड टू लीजिंग कंपनी शेल बी लेस, ये कम की जाएगी, शेल बी डिडक्टेड ओनली फ्रॉम, अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट को काट के फ्रॉम, शेल बी डिडक्टेड ओनली फ्रॉम रेंटल इनकम। जाहिर बात है, और किससे माइनस करनी है? इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना होता ना, तो जरा इंग्लिश का फिक्र बार बार बोल लें। डेप्रिसिएशन
अलाउड टू अ शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंटल। ओनली इसलिए लिखा हुआ है कि और तो कोई इनकम में से माइनस करने की तुक नहीं बनती ना, इसी में से माइनस करेंगे हम। द डेप्रिसिएशन अलाउड टू लीजिंग कंपनी शेल बी माइनस ओनली अगेंस्ट रेंटल इनकम। क्लियर? ये कौन सा पॉइंट हो गया? सी। लेकिन पीछे आए, सी का भी ये 13 है, 13 सफे है ना, 13 का सी है बल्कि, लेकिन उससे भी पीछे आए, ये सेक्शन 22 है, सेक्शन 22 है। तो अब क्या बनेगा फिर? सेक्शन 22 के 13 का सी, ओके आगे चलें। चलते रहे आगे, इधर दोबारा पढ़ लें जरा। द डेप्रिसिएशन अलाउड टू लीजिंग कंपनी शेल बी माइनस फ्रॉम रेंटल इनकम। अगले सफे पे मत जाएं, इसी सफे पे सेक्शन का नाम बताएं, इनिशियल अलाउंस नंबर, सेक्शन 23 इसी सफे पे, पेज 134। इसमें जरा देखें सबसेक्शन 4 आ रहा है, ये मैंने दूसरी क्लास में कुछ लिखा हुआ है, वो पहले आप लिख लें। द इनिशियल अलाउंस रिडक्शन और एंड पे इनकम के आगे लिखें ऑफ लेसर। नहीं मिल रहा यार, ये है पेज नंबर, नई किताबें हो अल्लाह करे आपके पास, पेज 135 का टॉप, बताओ ये सेक्शन में डेप्रिसिएशन की रिडक्शन की बात हो रही है या इनिशियल अलाउंस का हेडिंग है इसकी? अगर इसकी इनिशियल अलाउंस हेडिंग है तो मैं क्या पढ़ूंगा, डेप्रिसिएशन रिडक्शन या इनिशियल अलाउंस रिडक्शन? अब लाइन वही है जो डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ के हैं, इनिशियल अलाउंस रिडक्शन का दूसरा नाम है। द इनिशियल अलाउंस रिडक्शन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी शेल बी डिडक्टेड फ्रॉम रेंटल इनकम ऑफ लेसर, वही बात, वही लाइन जो भी लिखी है, एक हल्का सा लफ्ज बदल दिया है, इनिशियल अलाउंस पढ़ें, इनिशियल अलाउंस डिडक्शन शेल बी डिडक्टेड बाय लेसर अगेंस्ट रेंटल इनकम। अगेंस्ट का मतलब होता है अंडर, काट के फ्रॉम रेंटल इनकम में से माइनस कर दें। ये कौन सा सेक्शन बन गया? 23 का सबसेक्शन 4। इनिशियल अलाउंस रिडक्शन अगर सेम ही है तो सेक्शन अलग अलग क्यों है? इनके भाई के सवाल का जवाब दें, कल बताया जाएगा फर्क। कल बताया जाएगा। अच्छा जी, यही जवाब देना था आपने, कितने लोगों के जहन में ये जवाब आ गया था लेकिन दे नहीं रहे थे। अच्छा, तो इनिशियल अलाउंस रिडक्शन शेल बी अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी, ये लीजिंग कंपनी को इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है फ्रॉम द रेंटल इनकम। अब बता दें सारी चीजों के हमने रेफरेंस दे दिए हैं, किसका रेफरेंस रह गया है? जिसके लिए रेंट एक्सपेंस है उसके लिए भी तो कोई पॉइंट होना चाहिए। चलते जाएं, हिम्मत नहीं हारनी, वो हिम्मत ही क्या जो हारी। अच्छा चल 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 जल्दी चल 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 स्पीडो स्पीड स्पीडो स्पीड स्पीडो स्पीड सेक्शन 28 ढूंढने में तरतीब में जरा आगे जाके आ रहे, तरतीब से नहीं आ रहा वो। सेक्शन 28 के 1 का बी।
अब हम किसके जूते पहन लें? सर्विस के, हश पपीज के, डॉलेंस के, लेसी के जूते पहने, अपने जूते उतारें, जल्दी करें, आवाज नहीं आई। सेक्शन 28, आ डिडक्शन शेल बी अलाउड, खर्चा माइनस करने की फॉर आर टैक्स ईयर, फॉर एज्यूम बुक्स ऑफ डॉलेंस, ये तो ऐसी हेडिंग दी हुई है, इग्नोर कर दें। अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर फॉर रेंट पेड, लीज रेंट पेड कहते हैं इसे, फॉर रेंट पेड अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर रेंट पेड बाय डॉलेंस टू एमसीबी, लिखी बाय डॉलेंस टू एमसीबी। A deduction, बोले a deduction shall be allowed for a tax year for rent paid by Dolens to MCB या leasing company, comma leasing company for assets used in business। लेकिन ये use वो वाला ना समझिएगा कि इसकी वजह से depreciate करने लग जाए, जाहिर बात है use तो वो कर ही रहे, हमें भी पता है Dolens ही use कर रहा है business में, लेकिन ये वाला use वो ना समझिएगा कि अब दोबारा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने लगा। असल बात पता है कि असल बात है रेंट पेड अलाउ होगा, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। किसको? डॉलेंस को। डॉलेंस को क्या अलाउ होगी? रेंट पेड। क्लियर? इसमें एक नीचे लाइन लिखी हुई है तो वो भी आपको समझ नहीं आ सकती, इसलिए इसको मैं रेड सिग्नल दे रहा हूं, इसे क्रॉस नहीं करना आपने। ठीक है, पास पेपर्स। कल कौन सा सवाल कर रहे थे? साजिद वाला। आ जरा ऊपर आ जाएं, सबने ऊपर जाने, साथ वाले को रिमाइंड कराते रहा करें। सॉफ्ट कॉपी रूप ऊपर चली जाएगी, हार्ड कॉपी जिसम कवर में चला जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 18, एक्सप्लेन ये कवर का अजाब जो होता है ये ऊपर रूह को हो रहा होता है, ये कभी कभी इबरत के लिए ये दुनिया में जो कवर नजर आ रही होती है उसमें दिखा दिया जाता है। Explain with reasons as to whether or not the following expenses are admissible business expense. Admissible का क्या मतलब है? Allowed या not allowed? Allowed. Explain with reasons as to whether the following expenses are allowed as business expenditures. बताएं जी पहला। लाउड है नॉट लाउड है, पेज नंबर बता दिया करें, 158। हाँ जी, ये जो पेनल्टी पे की है बैंक ने, पे करने वाला बैंक है, किसी बैंक ने पेनल्टी पे की है, स्टेट बैंक के बनाए हुए रूल्स तोड़े हैं, तो स्टेट बैंक के बनाए हुए जो रूल्स तोड़े हैं वो तो हुकूमत के बनाए हुए रूल्स ही है ना फिर, और ये फाइन किसके खजाने में जाएगा? हुकूमत के खजाने में जाएगा, तो 21 का जी लगेगा ना इस पे, कल जो पड़ा था। इक्कीस के जी की रोशनी में ये क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड। क्लियर? कल क्या पढ़ा था? पेनल्टी अगर गवर्नमेंट को पे, गवर्नमेंट के खजाने में जाए तो आगे पढ़े यार, ये क्या है? फ्रेट चार्जेस टू फॉरवर्डिंग एजेंट अमाउंटिंग टू 60% पेड इन कैश, किराया को पे कर दिया हमने 60,000 का, कैश में पे कर दिया, अलाउड है। यूटिलिटीज, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस और एनी अदर स्टैचुरी ऑब्लिगेशन, मेरा पेपर है मैंने याद किया, तो अगर ये सारे खर्चे आप कैश में पे कर दें तो ये अलाउड हैं। इसलिए फ्रेट चार्जेस अभी हम पॉइंट एल में पढ़ के आए हैं, आज पढ़ा है ये हमने, ये कल नहीं पढ़ा था, तो पॉइंट एल की रोशनी में ये क्या है? कैश में भी पे कर दें तो अलाउड हैं। ठीक है जी, ठीक है जी।
चलें कल मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।